ठीक है, द टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स भी. इट इज द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट. ठीक है, यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज करके हम लोग डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल कर पाते हैं. अगर ओके सर, अगर इंटरनेट पे अगर हम लोग को कोई भी डेटा कम्युनिकेशन करना, मतलब डेटा सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है, दोनों कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन पे हैं, हमको नहीं पता कहाँ पे रखा हुआ है दूसरा कंप्यूटर, ठीक है, हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते, ठीक है, हम लोग उसको एक बहुत बड़े वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट किए हुए हैं जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, और किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम लोग को डेटा सेंड करना है, तो हम लोग यूज करते हैं टीसीपी आईपी कनेक्शन. ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का ही यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे. ठीक है, तो इसके कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं. टीसीपी इज रिलायबल प्रोटोकॉल, दैट इज द रिसीवर ऑलवेज सेंड्स इधर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट अबाउट द डेटा पैकेट टू द सेंडर, सो दैट सेंडर ऑलवेज हैव ब्राइट क्लू अबाउट द वेदर द पैकेट इज रीच्ड द डेस्टिनेशन और इट नीड्स टू रीसेंड इट. ठीक है, तो यहाँ पे जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है वो इतना रिलायबल है जिसमें हम लोग कोई भी सेंडर है, ठीक है, जब तक वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का. ठीक है, जब भी डेटा सेंड होगा तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, अगर पहुंच गया है तो वहां से पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है, अगर नहीं पहुंच पाया है, कोई एरर है बीच में, कोई नेटवर्क एरर है, कोई डिवाइसेस में आग लग गई है या फिर किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसीवर क्या करेगा, उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा. ठीक है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा. ठीक है, अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है तो क्या होगा, हम लोग को हो सकता है कि वो डेटा फिर से सेंड करना पड़े, रीसेंड करना पड़े. ओके, तो यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है एक रिलायबल प्रोटोकॉल होता है. सेकंड पॉइंट है, टीसीपी एंश्योर्स द डेटा रीचेस इंटेंडेड डेस्टिनेशन इन द सेम ऑर्डर इट वॉज सेंड. ठीक है, जिस ऑर्डर पे सेंडर सेंड करेगा उसी ऑर्डर पे ही डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ऐसा हम लोग. ओके, तो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, टीसीपी रिक्वायर्स दैट द कनेक्शन बिटवीन टू रिमोट पॉइंट्स बी एस्टेब्लिश बिफोर सेंडिंग एक्चुअल डेटा. ठीक है, तो जो भी हम लोग एक्चुअल डेटा अगर सेंड करना है तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, इस्टेब्लिश हो जाएगा कनेक्शन, उसके बाद ही एक्चुअल डेटा सेंड होगा. ओके, तो दो कंप्यूटर के बीच में सबसे पहले कनेक्शन बनेगा, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफर होगा. तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा होता है, कनेक्शन जब बन जाता है उसके बाद ही सेंड किया जाता है. ठीक है, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है किसी भी कारण से तो टीसीपी जो है वो डेटा सेंड नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे टीसीपी प्रोवाइड्स एरर चेकिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म. ठीक है, टीसीपी प्रोवाइड करता है एरर चेकिंग, ठीक है, और रिकवरी मैकेनिज्म दोनों प्रोवाइड करता है. ठीक है, कोई भी अगर डेटा में एरर हो, लिंक में एरर हो, ठीक है, या फिर जो भी उस डेटा पैकेट के आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस अगर उसमें कोई एरर हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे चेक होती है और रिपोर्ट किया जाता है सेंडर को, सेंडर उसको करेक्ट करेगा, वापस से उसको रीसेंड करेगा. ठीक है, रिकवरी मैकेनिज्म भी यहाँ पे होती है जिसमें हम लोग कोई डेटा अगर सेंड कर दिया और वो हो सकता है लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो उसका लास्ट पॉइंट एक चेकसम होगा, चेक पॉइंट होगा, वहां पे जाके उसको रिकवर किया जा सकता है उस डेटा को, लाइक जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, तो अगर पैसे कट गए तो वो क्या करेगा,
उसको रिकवर किया जाता है, मींस वहां पे चेक पॉइंट बनाया जाता है अलग अलग, ठीक है, जैसे हमारे अकाउंट से कट गया अगले तक नहीं पहुंचा, तो वहाँ उसके बीच में कम से कम 4 से 5 चेक पॉइंट बनाए जाते हैं। एक चेक पॉइंट तक तो पहुंच गया, ठीक है, वो एक्नॉलेज करेगा कि इस चेक पॉइंट तक तो पहुंचा है। लाइक जैसे हम लोग कभी भी हम लोग पेमेंट करते फोन पे गूगल पे इस टाइप से यूज करके करते, तो वहाँ पे गूगल पे अपना एक चेक पॉइंट बना के रखता है, ठीक है, बैंक अपना एक चेक पॉइंट बना के रखता है, और जो रिसीवर है उसके पास भी चेक पॉइंट होगा। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशलाइज होता है तो वो क्या करता है, जैसे कि मैं किसी को भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा बैंक उसको रिक्वेस्ट देगा, पहले सबसे पहले उसको बैंक अकाउंट चेक होता है कि वो एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव होगा तभी उसमें सेंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है, जिस भी बैंक में उसको भेज रहा है वहां पे रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, वो एक्सेप्ट करके तुरंत रिस्पॉन्स करता है, तभी वो एक्सेप्ट होता है वहां पे, तभी वहां पे ट्रांसफर होगा। अगर हम लोग कोई थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, मीडिएटर का काम करता है, वो हमसे पैसा लेगा अपने पास 1-2 सेकंड के लिए रखेगा, फिर आगे ट्रांसफर करता है। जो ओरिजिनल जो कमाई हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यूपीआई की, ठीक है, तो वो 1-2 सेकंड के बीच में वो कर लेता है, क्योंकि वहां जो इंटरेस्ट उनको मिलता है वो सेकंड वाइज मिलता है, तो वो उनके अलग ही मैकेनिज्म है। इसीलिए हम लोग को ये सारे जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किया जा रहा है बैंकिंग के थ्रू। तो यहाँ पे जो रिकवरी मैकेनिज्म जो काम करता है, जो ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाया गया है, तो वो अलग अलग चेक पॉइंट के थ्रू यहाँ पे रिकवरी किया जाता है। अगर मान लो सेंडर ने भेज दिया, रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं तो पैसा अटका होगा, पैसा कहीं घूम नहीं जाता, कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी चेक पॉइंट पे होगा, वो वापस से क्या हो जाता है, अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से वहां पे अलग अलग चेक पॉइंट बनाए जाते हैं, तो इसी से ही रिकवरी होता है किसी भी डेटा का। अब हम लोग वहाँ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन मनी क्या है, वो भी एक डेटा है, वहाँ सिर्फ नंबर्स फिगर्स में बात हो रही है, ठीक है। अगर उसको एटीएम में जाके हम लोग कैश कराते हैं तो हार्ड कॉपी मिल जाती है उसकी, लेकिन वो बैंक के लिए क्या, सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, एक नंबर है वो, ठीक है, मतलब डेटा है, उस डेटा की भी रिकवरी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टीसीपी प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन। टीसीपी प्रोवाइड करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मीन्स एक कंप्यूटर से डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है, जो भी हम लोग को कम्युनिकेट करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। टीसीपी प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। टीसीपी प्रोवाइड करता है फ्लो कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ सर्विस। फ्लो कंट्रोल मीन्स यहाँ पे जो भी सीक्वेंस में हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है, जो कंप्यूटर में हम लोग भेजना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस के साथ में वहां पे जाएगा। कुछ अगर हम लोग जो डेटा रेट वहाँ हम लोग बोल रहे हैं, अगर जिस डेटा रेट में हम लोग ने सेंड किया है उसी डेटा रेट पे ही वहाँ पे रिसीव होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल है वो मेंटेन किया जाता है, साथ में यहाँ पे सर्विस की क्वालिटी भी मेंटेन की जाती है, जो क्यूओएस बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो भी यहाँ पे मेंटेन की जाती है। उसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है टीसीपी ऑपरेट्स इन क्लाइंट सर्वर पॉइंट टू पॉइंट मोड, ठीक है। टीसीपी जो है ऑपरेट किया जाता है किसी भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पॉइंट टू पॉइंट मोड पे। इसका मतलब क्लाइंट जो है डायरेक्टली सेंड करेगा अपना रिक्वेस्ट सर्वर को, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और वहां से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे रिस्पॉन्स मिल गया, क्लाइंट क्या है, एक्नॉलेज करेगा कि मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा था वो मुझे मिल गया है। अगर नहीं मिलता तो वहाँ कुछ एक एरर कोड आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी वेब ब्राउजर पे खोलते हैं तो हम लोग को शायद वो पेज नहीं मिलता है, जो भी रिक्वेस्ट करते हैं तो नहीं मिलता है, तो वहाँ पे एक एरर कोड आता है, 404, एरर 404 ऐसा मिलता है। या फिर हम लोग को कुछ कनेक्शन से रिलेटेड होगा तो कनेक्शन डिसकंटिन्यूज, इस टाइप से कोई एक एरर आता है, तो सबके वहाँ पे एरर कोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जब हम लोग किसी भी क्लाइंट से वेब सर्वर के बीच में हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और डेटा सेंड करते हैं तो उस समय आते हैं। तो ये इंटरनेट में पहले से डिफाइन किया जाता है, जो भी एरर कोड्स वगैरह है, किस टाइप के लिए क्या एरर कोड है, वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो ये सारे
जो पॉइंट टू पॉइंट मोड है ये टीसीपी जो है वो पूरा का पूरा हैंडल करता है। टीसीपी प्रोवाइड्स फुल डुप्लेक्स सर्वर, दैट इज इट कैन परफॉर्म रोल्स फॉर बोथ रिसीवर एंड सेंडर्स। टीसीपी जो है वो फुल डुप्लेक्स सर्वर प्रोवाइड करता है, जिसमें जो भी रोल्स होते हैं रिसीवर के या फिर जो सेंडर के, वो एट ए टाइम वो सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, दोनों चीज़ें कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग कंटिन्यूस कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी दो कंप्यूटर में, तो एक बार जो मान लो जैसे कि कंप्यूटर वन है और कंप्यूटर टू है, कंप्यूटर वन एक बार सेंडर बनेगा तो कंप्यूटर टू रिसीवर बनेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा होते जाएगा, या सेंडर रिसीवर ऐसा होते जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या करता है, फुल डुप्लेक्स सर्वर का काम करता है। मतलब जो भी सर्वर है, ठीक है, वो हमेशा फुल डुप्लेक्स पे काम करेगा। मतलब एट ए टाइम साइमल्टेनियसली वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, रिस्पॉन्स भी दे सकता है, ठीक है, डेटा सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, दोनों के दोनों एक साथ पॉसिबल होता है। तो ये थे फीचर्स टीसीपी प्रोटोकॉल्स के। यहाँ पे एड्रेसिंग देखते हैं। टीसीपी कम्युनिकेशन बिटवीन टू रिमोट होस्ट इज डन बाय मीन्स ऑफ पोर्ट नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं TSAP, ठीक है। पोर्ट नंबर्स कैन रेंज फ्रॉम 0 to 65535, विच आर डिवाइडेड एज सिस्टम पोर्ट्स 0 to 1023, यूजर पोर्ट्स 1024 to 49151, प्राइवेट और डायनामिक पोर्ट्स 49152 to 65535। तो इस प्रकार से तीन पोर्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से इसकी एड्रेसिंग की जाती है। अगर ओके, तो कनेक्शन मैनेजमेंट में हम लोग आते हैं। टीसीपी कम्युनिकेशन वर्क्स इन क्लाइंट सर्वर मॉडल। द क्लाइंट इनिशिएट द कनेक्शन एंड सर्वर इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। थ्री वे हैंड शेकिंग इज यूज फॉर कनेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ थ्री वे हैंड शेकिंग होगा। थ्री वे कैसे होता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएटर है जो कनेक्शन को इनिशिएट करेगा। इनिशिएट किया, यहाँ से सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिस्पॉन्डर क्या करेगा, जो भी हमारा वेब ब्राउजर है, सॉरी वेब सर्वर है, वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, सिंक्रोनाइज बिट भेजेगा, साथ में एक्नॉलेज भी भेजेगा। यहाँ पे जो थ्री वे हैंड शेकिंग होती है, थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होती है, वो सिंक्रोनाइज बिट के हिसाब से जाती है। यहाँ पे दो टाइप के बिट होते हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन बिट होता है, एक एक्नॉलेजमेंट बिट होता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन बिट जो है इनिशिएटर सेंड करेगा रिस्पॉन्डर को, रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्ड करेगा सिंक्रोनाइजेशन बिट के साथ जो यहाँ पे सेंड किया है उसके साथ, प्लस एक्नॉलेजमेंट कि हाँ आपने ये सिंक्रोनाइजेशन बिट हमारे पास भेजा था, और उस बिट के साथ में कुछ डेटा होगा, वो डेटा हम रिसीव कर चुके हैं, और इस सिंक्रोनाइजेशन बिट के साथ में एक एक्नॉलेजमेंट अटैच करेगा, अटैच करके इनिशिएटर पे भेजेगा। इनिशिएटर भेज क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और अपना एक्नॉलेजमेंट वापस से रिस्पॉन्डर को सेंड करेगा कि आपने जो एक्नॉलेजमेंट भेजा है आपने रिसीव कर लिया है और ये हमें पता चल गया है। इस प्रकार तो थ्री वे हैंड शेकिंग हो रही है, सिंक्रोनाइजेशन गया, ठीक है, रिस्पॉन्ड मिला और इनिशिएटर ने फिर से रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पे थ्री तीन बार क्या कर रहे हैं, आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग कनेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और रिलीज, ठीक है। क्लाइंट इनिशिएट द कनेक्शन एंड सेंड्स द सेगमेंट विद अ सीक्वेंस नंबर। सर्वर एक्नॉलेजमेंट्स इट बैक विद इट्स ओन सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लाइंट सेगमेंट विच इज द वन ऑफ वन मोर देन क्लाइंट सीक्वेंस नंबर, ठीक है। क्लाइंट आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स सेगमेंट सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्वर्स रिस्पॉन्स, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, इनिशिएट करेगा कनेक्शन को, सेगमेंट सेंड करेगा विद सीक्वेंस नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर, और सर्वर उसको क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। सीक्वेंस नंबर मतलब यहाँ पे जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन बिट्स है, ठीक है, कुछ एक 8 बिट या फिर 4 बिट में वो सीक्वेंस ऑफ नंबर सेंड करेगा।
सर्वर क्या करेगा, उसमें एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। और यहाँ ये जो सिंक्रोनाइजेशन बिट है, इस सिंक्रोनाइजेशन बिट से रिलेटेड ही होगा, लेकिन अपने सीक्वेंस में वो सेंड करेगा इस एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस के साथ में, ओके। फिर उसके बाद क्या करेगा, क्लाइंट जो है वो रिसीव कर लेगा, देन उसके बाद रिसीव करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो उस रिस्पॉन्स का सेंड करेगा, मीन्स यहाँ ये रिक्वेस्ट का है, ये रिस्पॉन्स का है, फिर इस रिस्पॉन्स का ये एक्नॉलेजमेंट है, देन उसके बाद आता है रिलीज। ईदर ऑफ सर्वर एंड क्लाइंट कैन सेंड टीसीपी सेगमेंट विथ फिन फ्लैग सेट टू वन व्हेन द रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डेड बैक बाय एक्नॉलेजिंग फिन दैट डायरेक्शन ऑफ टीसीपी कम्युनिकेशन इज क्लोज एंड कनेक्शन इज रिलीज्ड, ठीक है। सर्वर या फिर जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, टीसीपी सेगमेंट सेंड करेगा, किसके साथ सेंड करेगा, वो अपने एक फ्लैग बिट के साथ सेंड करेगा जिसकी वैल्यू होगी वन, ठीक है। जो भी उसका रिस्पॉन्स है, जो भी क्लाइंट है, वो सर्वर से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, ठीक है, मतलब वो रिस्पॉन्स आना एंड हो गया वहां पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजिंग फिन सेंड करेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन पे सेंड करेगा, वो सर्वर के डायरेक्शन पे सेंड करेगा और कनेक्शन को वहां से क्लोज कर देगा, ठीक है, और कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है और रिलीज होता है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी का सबसे मेन फीचर यही है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज।